हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज चैप्टर 22.11। सो मेक श्योर दैट यू हैव आल्सो वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन बी बेसिकली स्पेसिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियो। यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो so that you can get the notification at the right time। तो part wise हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, you know point wise हम लोग पढ़ते हैं। तो point wise मैं शुरू करता हूँ। इससे पहले बता दूँ कि अगर आप you know Indian economy का series देखना चाहते हैं तो there is a separate playlist and total 57 hour का course है। definitely it will be definitely beneficial to you and the PDF is also available so you can revise it multiple times। जाइए देखिए, बहुत important है। पहला point है parliamentary privileges से related। तो आज का जो class होगा वो parliament में जो सुविधाएं हैं, जो privileges हैं, जो कि as a whole दोनों houses को, राज्यसभा को plus लोकसभा को मिली हुई है, and कुछ इसकी जो कमिटियां हैं इन houses की उनको भी मिली हुई हैं। देन जो MPs हैं उनको भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से नवाजा गया है, दिया गया है। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर बात करें पार्लियामेंट की तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और इसका थोड़ा सा इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है एंड इसकी इफ़ेक्टिवनेस के लिए ये प्रिविलेजेस देना बहुत ज़रूरी है ताकि इनके मेम्बर्स इंडिपेंडेंट काम कर सके, इनको कोई डर ना रहे। इनफैक्ट अगर बात करें मेंबर के अलावा तो ये कई लोगों को और दिया गया है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि प्रोसीडिंग में भाग लेते हैं, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में बेसिकली पार्ट होते हैं, वो जाके बैठते हैं वहाँ पे, तो इनको भी ये सारे स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। देन कुछ यूनियन मिनिस्टर्स जो मेंबर नहीं है उनको भी दिया गया है। तो ओवरऑल जो भी पार्लियामेंट में बैठता है उनको ये राइट, स्पेशल राइट, इम्यूनिटीज, एग्जेम्पशन सब कुछ मिलता है और ये इसलिए दिया जाता है ताकि सुपरमेसी पार्लियामेंट की, इंडिपेंडेंस, इफेक्टिवनेस को बरकरार रखा जा सके। तो बट एक बात है कि प्रेसिडेंट हालांकि इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के, लेकिन इनको ये राइट्स, इनको इम्यूनिटीज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं दिया गया है। ये रीजन इसका ये है कि ये ना तो लोकसभा में बैठते हैं, मतलब लोकसभा की प्रोसीडिंग में ना पार्टिसिपेट करते हैं और ना ही राज्यसभा की प्रोसीडिंग में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मेजर रीजन है कि प्रेसिडेंट को क्यों नहीं दिया गया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब जो बंदा प्रेसिडेंट तो है, सब कुछ ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के, सब कुछ अच्छी बात है, इन्हीं के एसेंट पे कोई बिल एक्ट बनता है लास्टली, लेकिन ये क्या जो प्रोसीडिंग होती है दोनों हाउसेस की वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं? तो नहीं करते हैं, तो इनको प्रिविलेज क्यों देना है? सिंपल, ये जस्टिफाइड है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें इन प्रिविलेजेस की तो इनको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी में। तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस दी गई हैं और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। तो जान लेते हैं कि कलेक्टिव और इंडिविजुअल जो प्रिविलेजेस हैं, एक एक करके देखते हैं कि वो हैं क्या। कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात करें तो बेसिकली पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अपना रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है, अपना डिबेट जो हुआ है उसके फाइनल पॉइंट को या ओवरऑल डिबेट को ये पब्लिक के सामने पब्लिश कर सकता है और या फिर प्रोसीडिंग्स को भी ये पब्लिश कर सकता है, पब्लिक के सामने रख सकता है। तो ये सारी एक जो पब्लिश से रिलेटेड इनकी जो पावर है, अपने रिपोर्ट, अपने डिबेट्स, अपने प्रोसीडिंग्स वगैरह से लेकर, इनको कलेक्टिव प्रिविलेजेस में रखा गया है। यही नहीं, इनफैक्ट अगर बात करें पार्लियामेंट की तो ये प्रोहिबिट भी कर सकता है जो बाकी लोग हैं, जैसे कि प्रेस है। तो पहले क्या होता था, प्रेस इनफैक्ट पब्लिश कर देता था बिना परमिशन के पार्लियामेंट के रिपोर्ट को, और कई बार गलत सलत तरीके से भी मोल्ड करके भी यू नो पब्लिश किया जाता था, जो हुआ है उसको नहीं, जो नहीं हुआ है उसको दिखाया जाता था। तो इस वजह से प्रोहिबिट भी कर सकती है पार्लियामेंट अगर चाहे तो अदर एजेंसी को, जो कि पब्लिश करना चाहे अगर पार्लियामेंट के रिपोर्ट्स वगैरह को, डिबेट को, तो वहाँ पे प्रोहिबिट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है
44वां संशोधन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है, उम्मीद करता हूँ कि सबको पता ही होगा इस संशोधन के बारे में। इंदिरा सरकार की काफ़ी सारी गलतियों को सुधारा गया था इस संशोधन के द्वारा, जो कि उन्होंने 38वें और 42वें संशोधन से किया था। तो एनीवे इतना डीप में नहीं जाएंगे, मैंने ऑलरेडी बताया है। तो मोरारजी देसाई की ये सरकार थी जब ये अमेंडमेंट लाया गया था, इसने बेसिकली एक काम और किया, इसने जो प्रेस का जो फ्रीडम था पहले, जो ख़त्म कर दिया गया था कि भाई वो पब्लिश नहीं करेंगे पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ को, रिपोर्ट्स को, डिबेट्स को, प्रोसीडिंग को, उसको बोला कि ठीक है अब कर सकते हैं लोग पब्लिश, लेकिन होना ये चाहिए कि ट्रू रिपोर्ट्स को पब्लिश करें, ऐसा नहीं कि गलत सलत मनगढ़ंत अपने से बना के फेक पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ फैला दें, फेक कोई रिपोर्ट ऐसे रख दें, ऐसा नहीं हो सकता है, ट्रू रिपोर्ट ही रख सकते हैं ये लोग, ऐसा मैंडेटरी कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो प्रेस का फ्रीडम जो खत्म हुआ था उसको डेफिनेटली वापस लाने का काम किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि हुआ था 1978 में। नेक्स्ट है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो एज ए कलेक्टिव प्रिविलेज की बात कहें तो उसके आधार पे ये चाहे तो जो जब ये सीक्रेट सिटिंग करता है, सीक्रेट सिटिंग पार्लियामेंट करती है कई बार जब रिक्वायरमेंट आती है, कोई कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा मैटर डिस्कस करना है जो जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट नेचर का है, ये जिसकी इंफॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर लीक हो जाए तो खतरनाक हो सकती है, तो कई बार ऐसे मुद्दों पे सरकार सीक्रेट सिटिंग करती है। तो जब भी सीक्रेट सिटिंग होगी तो उस समय पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो स्ट्रेंजर्स पार्टिसिपेट करते, बेसिकली स्ट्रेंजर्स होते कौन है, जैसे कि मीडिया वाले लोग, जैसे कि कैमरा पर्सन, बहुत सारे ऐसे लोग गैलरी में जो बैठते हैं, इनफैक्ट जो आउटसाइडर्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो एमपी नहीं है या फिर वैसे लोग नहीं है जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एक्सक्लूड कर सकती है पार्लियामेंट चाहे तो उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देगी। तो ये सारी बातें हैं जो पार्लियामेंट कलेक्टिव प्रिविलेज के तहत करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि पार्लियामेंट चाहे तो रूल बना सकती है, रूल और रेगुलेट रिगार्डिंग द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। इट्स बिजनेस का मतलब ये है कि पार्लियामेंट का कुछ डेली का बिजनेस है, कुछ काम करती है, मतलब हाउस का एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करती है। दोनों हाउसेस की बात करें, लोकसभा राज्यसभा की, तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जैसे काम करने का जो तौर तरीका है उसको बेसिकली यहाँ पे पार्लियामेंट जब चाहे उस पर नया रूल या फिर नया रेगुलेशन या फिर उसमें अमेंडमेंट इधर उधर जो भी है कर सकती है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ये भी इनका कलेक्टिव प्रिविलेज है, मतलब ये नहीं है कि किसी और के हाथ में ये दे दिया गया है कि वो डिसाइड करेगा कि बिजनेस क्या होगा पार्लियामेंट का, नहीं, पार्लियामेंट के पास खुद ही ये पावर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे, पार्लियामेंट चाहे तो पनिश कर सकती है जब भी कुछ ऐसा होता है, कोई मेंबर या फिर कोई आउटसाइडर जो ब्रीच करता है प्रिविलेजेस को। देखिए दो तरीके की प्रिविलेज हैं, कलेक्टिव प्रिविलेज एंड इंडिविजुअल प्रिविलेज। तो कोई भी प्रिविलेज अगर ब्रीच किया जाता है, मतलब उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है, उस नियम को तोड़ा जाता है, उस पर्टिकुलर जो प्रिविलेजेस है उसको, उसके अगेंस्ट में काम किया जाता है, उस प्रिविलेज को आनंद करते हुए गलत फायदा उठाया जाए, उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। तो जब भी कोई बंदा या फिर एज ए होल हाउस ब्रीच करती है इन प्रोविजंस को, इन प्रिविलेजेस को, तो पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है कि उनको दंड दिया जा सके, उनको पनिश किया जा सके, या फिर कॉन्टेम्प्ट भी हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, इस केस में भी इनको दंड दिया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो कलेक्टिव प्रिविलेज में जो पॉइंट आता है पार्लियामेंट के पास जो राइट है वो है राइट टू रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट और एंड रिलीज ऑफ ए मेंबर। तो देखिए एमपीज को, जब वो सेशन में होते हैं, सेशन जब पार्लियामेंट का चलता रहता है, तो कुछ प्रिविलेज ये है कि इनको सिविल मैटर वगैरह पे, इनके ऊपर कार्रवाई, इनके ऊपर केस वगैरह नहीं किया जा सकता, बेसिकली इनको इम्यूनिटी है, कोर्ट इनको इस इन सब मैटर्स के लिए नहीं बुला सकती। लेकिन अगर क्रिमिनल केसेस हुए हैं इनके ऊपर, क्रिमिनल कोई कांड किया है, तो डेफिनेटली अगर वो एमपी हैं तब भी इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे केस में मान लीजिए जब अरेस्ट होता है, डिटेंशन होता है, या फिर कन्विक्शन होता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट या फिर रिलीज जो भी होता है, इस रिगार्डिंग में जो इमीडिएट इंफॉर्मेशन है वो पार्लियामेंट मांग सकती है कोर्ट से, भाई मुझे बताइए कि मेरे एमपी का क्या हो गया है एंड
क्या डिटेंशन है, क्या अरेस्ट के ग्राउंड है, और सब चीजें रिलेटेड इंफॉर्मेशन इमीडिएट नेचर की पार्लियामेंट मांग सकती है किसी भी कोर्ट में अगर ये कार्रवाई चल रही है। आगे है कि कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर, मतलब कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है, इसके जो काम करने का तरीका है, इनका लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है, उसमें पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसको इंक्वायर नहीं कर सकता है। एंड नो पर्सन इधर ए मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्व विद इन द प्रिंसिप्ट ऑफ हाउसेस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कहने का मतलब है कि जब भी ये लोग, प्रिंसिप्ट मतलब कि चार दीवारी, जब भी एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर कोई आउटसाइडर है जो पार्टिसिपेट कर रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोसीडिंग में, उसके अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसेस नहीं किया जा सकता जब तक वो चार दीवारी में है, जब तक वो पार्लियामेंट में बैठा है, उसके अगेंस्ट में कोई काम, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है कोर्ट, जब तक कि परमिशन ना मिले प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? तो लोकसभा में स्पीकर होते हैं, या फिर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर होते हैं। राज्यसभा में होते हैं यहाँ पे चेयरमैन, जनरली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एंड डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन जब चेयरमैन नहीं होते हैं तो टेक ओवर करते हैं एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो ये लोग होते हैं, इनके परमिशन के बिना ये काम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कोर्ट को बेसिकली प्रोहिबिट है, जो भी काम करती है पार्लियामेंट उससे रिलेटेड कुछ भी उसमें इंक्वायरी इंक्वायरी नहीं बिठा सकता है कोर्ट। ये सारे कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस थे। अब बात करेंगे हम लोग इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की। कलेक्टिव के बाद देने के बाद इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी दिया गया है। इंडिविजुअल प्रिविलेज ये है कि कोई भी मेंबर को, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग सेशंस एंड 40 डेज बिफोर द बिगिनिंग एंड 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। इसका मतलब समझिए, ड्यूरिंग सेशन तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। ओनली इन सिविल केसेस में बात कर रहा हूँ मैं, क्रिमिनल केसेस अगर हैं तो उसमें अरेस्ट हो सकता है, लेकिन सिविल केसेस में नहीं हो सकता है। एंड इसमें बात यही है कि सेशंस में तो होता ही नहीं है, जब सेशन चल रहा है तब तो कुछ इनके ऊपर कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब सेशन से पहले भी 40 दिन, मान लीजिए सेशन किसी पर्टिकुलर डेट को स्टार्ट होने वाला है, उसके 40 दिन पहले से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी एंड सेशन इंड हुआ है उसके 40 दिन बाद, तो 40 दिन का लेवरेज दिया गया है, 40 40 दिन का, 40 दिन इधर और 40 दिन इधर और बीच में यहाँ पे सेशन। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मतलब एक प्रोसीजर है। नेक्स्ट देखते हैं, इनको फ्रीडम है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनको फ्रीडम है स्पीच का, मतलब ये बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज मतलब सारी बातें कर सकते हैं, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और काम करने के दौरान इन्होंने कुछ भी बोला है, कोई कोई भी एक्शन लिया है, उसके लिए जुडिशरी कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती है। जो भी अगर पार्लियामेंट में बैठ के कुछ बोला है इन्होंने, कोई काम से रिलेटेड कोई बात करी है, तो उसके अगेंस्ट में जुडिशरी में केस नहीं फाइल किया जा सकता, बिकॉज वो बंदा एमपी है, वहाँ पे वो बात कर रहा है, और उस उन जो भी काम से रिलेटेड कोई बात हुई है तो उसको क्लेम करके जुडिशरी में नहीं जाया जा सकता कि भाई साहब इसने तो ये बोल दिया, ऐसे कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है ये ज्यूरी सर्विस से भी एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि ये गवाही नहीं दे सकते हैं, कोर्ट खुद की गवाही के लिए इनको मजबूर नहीं कर सकता है। तो ज्यूडिशरी सिस्टम में जब ये कुछ होता है तो ज्यूरी सर्विस ये नहीं देंगे, मतलब गवाह वगैरह ये नहीं बनेंगे, सेल्फ के लिए भी या फिर दूसरों के लिए भी कभी गवाही नहीं दे सकते हैं, एग्जेम्प्टेड है ये, चाहे तो नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जब भी ब्रीच होता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं या फिर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस होता है, तो उस केस में पनिश किया जाता है जो भी, मान लो हाउस ने कर दिया है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, या फिर इंडिविजुअल किसी ने किया है कंटेम्प्ट, दोनों केसेस में हाउस भी कर सकती है और दोनों केसेस में इंडिविजुअल भी कर सकता है, मतलब इंडिविजुअल कंटेम्प्ट भी कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, या फिर ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस भी कर सकता है, या फिर हाउस ओवरऑल दोनों में से कोई भी, या फिर कोई कमिटी वो भी कर सकती है। तो जब भी ब्रीच होता है तो पनिशमेंट मिलता है, वो पनिशमेंट किस तौर में मिलता है, तो दो फ्रेजेस हैं यहाँ पे, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। इसका मतलब दोनों एक्चुअली इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, मतलब कि जब ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज होता है
तो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस माना जाता है कि मतलब ब्रीच हुआ है प्रिविलेजेस का, तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस तो होगा ही, आपने जानबूझ के कोशिश किया है कंटेम्प्ट करने का हाउस का, या फिर कई बार कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस होता है तो डेफिनेटली उसमें कई बार देखा जाता है कि ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस भी हुआ है। लेकिन जो इनका जो इम्प्लीकेशन है वो अलग अलग है। कैसे? जो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है उसका वाइडर इम्प्लीकेशन है, मतलब कि अगर ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज हुआ है तब भी वो कंटेम्प्ट माना जाएगा, या फिर कई केस में ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज नहीं हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस हो गया है, तो इसका जो मीनिंग है, जो इम्प्लीकेशन है वो वाइडर है एज कम्पेयर टू द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस। मतलब ये है कि ब्रीच प्रिविलेजेस का होना हुआ है तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस होगा, लेकिन नहीं भी हुआ है तब भी कंटेम्प्ट ऑफ हाउस किसी दूसरे वजह से हो सकता है। तो जो मीनिंग है, जो इम्प्लीकेशन है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस का, वो वाइडर है, जस्ट एक आप समझो, लेकिन एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आएगा। ये पूछा जा सकता है कि क्या किसी को पनिशमेंट मिल सकती है क्या अगर ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हुआ, तो यस डेफिनेटली हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ प्रिविलेजेस। तो ये जो प्रिविलेजेस हैं जो दी गई हैं उनका सोर्स क्या है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं? तो ओरिजिनली बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन से होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भाई किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल 105 एक आर्टिकल है जिसमें दो प्रिविलेजेस पार्लियामेंट को दिया गया है। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको रहेगा, वो बोल सकते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं कि पार्टी ने कह दिया चुप तो चुप, ऐसा नहीं है। जो एमपी है वो चाहे तो बोल सकता है, उसको उसके स्पीच पे फ्रीडम है बिल्कुल। एंड राइट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग, जैसे कि मैंने बताया कि रिपोर्ट्स हो गया, कोई डिबेट हो गया, या फिर कोई प्रोसीडिंग से रिलेटेड कुछ पब्लिश करना चाहती है पार्लियामेंट, तो डेफिनेटली पब्लिश कर सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी जो प्रिविलेजेस हैं, अदर प्रिविलेजेस, वे आर टू बी द सेम एज दैट ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जब देखिए 1950 में हम लोग रिपब्लिक हुए थे 26 जनवरी को, तो हमने क्या किया कि जो अदर प्रिविलेजेस वो सेम कॉपी कर दिया, उस समय के जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो प्रिविलेजेस थी वो सारी प्रिविलेजेस, अदर प्रिविलेजेस हमने कॉपी कर लिया अपने में। लेकिन इसको जस्ट चेंज करने के लिए ब्रिटिश हाउस से हमने जो कॉपी किया था, ये वर्ड एक्चुअली लिखा गया था, तो इसमें 44th अमेंडमेंट लाया गया 1978 में, अगेन मोरारजी देसाई ने। और इन्होंने क्या किया कि जो बोला कि जो अदर प्रिविलेजेस होंगी वो वह होंगी जो अभी तक जो 20 जून 1979 तक मिल रही है। तो बेसिकली टेक्निकल टर्म में क्या हुआ कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की जो प्रिविलेजेस थी वो सेम है, लेकिन ये नोमेन क्लेचर हटा दिया गया, हमने अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको मान लिया, तो जस्ट एक नाम हटाने का काम किया गया। लेकिन सच बताएं तो अभी भी प्रिविलेजेस जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन को जो मिलती है वही हमारी भी प्रिविलेजेस है, अदर प्रिविलेजेस अपार्ट फ्रॉम दीज टू प्रिविलेजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट टिल नाउ हैज नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ फॉर द प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस के लिए स्पेशल कोई लॉ बना के नहीं बताया गया है पार्लियामेंट के द्वारा कि ये आपकी प्रिविलेजेस हैं एज ए होल हाउस के लिए, या फिर इंडिविजुअल के लिए, या फिर कमिटी के लिए। तो पार्लियामेंट ने कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया, लेकिन ये जो सोर्सेस हैं वो ब्रॉडली बात करें तो 5 सोर्सेस पे डिपेंड कर सकते हैं, बेस हो सकता है इसका, नेमली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 105 हो गया। नेक्स्ट हो सकता है वेरियस लॉज मेड बाई पार्लियामेंट, तो कई सारे लॉ जैसे कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर लोकसभा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर राज्यसभा, तो वो सब लॉ बना के बनाया गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो ये वेरियस लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, जैसे रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस, ये मैंने बताया। कुछ और भी लॉ हैं जो कि पार्लियामेंट ने बनाई है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। कन्वेंशंस ऐसी चीजें होती है जो आमतौर पर एक सहमति से कन्वेंशन होके आता है, मतलब आपसी सहमति से मान लिया जाता है कि ये है, ये लिखित में कुछ भी नहीं होता है इसमें। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, मतलब जब भी कोर्ट ने कुछ इंटरप्रिटेशन दिया है कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, तो ये सारे 5 कुछ सोर्स हैं जहाँ से जनरेट होती हैं ये सारी प्रिविलेजेस। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट की, तो एक्चुअली ये टर्म जो है, ये टर्म जो है, ये जो फ्रेज है, ये टर्म जो भी कह सकते हैं आप, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, तो ये एक्चुअली ये टर्म हमने एसोसिएट किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, बट
लिटरल मीनिंग में हम लोग सोवरेन नहीं है, हमारी हमारी जो सोवरेनिटी है, मतलब कि सोवरेनिटी का मतलब सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, आप सिंपल शब्द में समझो तो पार्लियामेंट का डिसीजन खुद का, इसके ऊपर कुछ नहीं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में डेफिनेटली है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो है वो सर्वोपरि है, उस पर कोई भी जुडिशरी का कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न नहीं है, तो इस वजह से जुडिशरी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारा थोड़ा अलग मीनिंग है, तो जान लेते हैं क्या मीनिंग है हमारा। इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए सोवरेन बॉडी इन द सिमिलर सेंस एज देयर आर लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स अथॉरिटी एंड जुडिशियल। तो हमारे ऊपर भैया सुप्रीम कोर्ट बैठा है, जब भी सुप्रीम कोर्ट गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जब भी कोई लॉ वगैरह बनता है या फिर कोई भी काम किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसको वो देखता है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू करता है, जुडिशियल रिव्यू करके उसको कोई लॉ बनाया तो उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। तो ये सारे कुछ पावर हैं जो कि सोवरेनिटी, जो सुप्रीम सोवरेनिटी होती है जो पार्लियामेंट की, उसको खत्म करते हैं, उसको कम करते हैं। एंड ये जरूरी भी है, इतनी बड़ी कंट्री है, पार्लियामेंट का सारी पावर नहीं दी जा सकती। देखिए इसलिए हम लोग इतने सोवरेन नहीं है, इतना हमारा पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, क्योंकि हमारा रिटन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि डिफाइन करता है कि अथॉरिटी एंड जो ज्यूरिडिक्शन है वो सब कुछ क्लियर कट लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तीनों ऑर्गन्स के जो काम हैं, जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनका काम, जो आपस में उनका जो इंटरडिपेंडेंस भी, सब कुछ बताया गया, इनके काम को क्लियर रखा गया। तो रिटन नेचर होने की वजह से कभी भी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं हो सकता है, मतलब अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। तो रिटन नेचर एक अच्छी बात है, ये तो एक अच्छा है। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि पार्लियामेंट ही सब कुछ नहीं है हमारे कंट्री में, बेसिकली ये तीन लिस्ट पे काम चलता है। फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी नहीं है, मतलब पार्लियामेंट अपने यूनियन वाले लिस्ट पे काम करता है, कंकरेंट लिस्ट पे काम कर सकता है, और जब कई कंडीशन में, मतलब जब इमरजेंसी टाइप, पांच ऐसे प्रोविजन है जब वो स्टेट लिस्ट पे भी लेजिस्लेट कर सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो ओकेजन्स होते हैं जिसमें वो कर सकता है, मैंने पढ़ाया इस चीज़ को। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जनरल टर्म में, तो फेडरल सिस्टम होने की वजह से पार्लियामेंट का लिस्ट अलग है, और स्टेट की भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कि इंडिपेंडेंट काम करती है, अपने लिस्ट पे लेजिस्लेट करती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है फेडरल है, इस वजह से सोवरेनिटी जो है पार्लियामेंट की इतनी ज़्यादा सोवरेन नहीं है और उस नेचर की नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट आपको दिख रहा होगा सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इससे क्या होता है कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है, बेसिकली कंपेरेटिव व्यू में समझोगे तो समझ में आएगा, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब जो भी वो लॉ बना देते हैं उसके ऊपर जुडिशरी का कोई रोक टोक नहीं होता है, बिकॉज इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ लिखित में है ही नहीं। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन नॉन रिटेन है, मतलब रिटेन नहीं होने की वजह से क्या रेफरेंस लेगा जुडिशरी, जिसके वजह से पार्लियामेंट सुप्रीम है वहाँ पे। पार्लियामेंट को, वहाँ के पार्लियामेंट को एक एक्सपर्ट ने कहा था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है एक्सेप्ट कि एक आदमी को औरत बना दे या एक औरत को आदमी बना दे, इसके अलावा सब कुछ कर सकती है ब्रिटेन की पार्लियामेंट। तो जस्ट एक वहाँ का, मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि कितनी पावरफुल है पार्लियामेंट ब्रिटेन की। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है वही चीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से, अदरवाइज जुडिशरी पीछे पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अगेन कहीं ना कहीं जो सुपरमेसी है पार्लियामेंट की उसको कम करती है, बिकॉज ये जस्टिसिएबल नेचर की होती है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ, ऐसा लॉ जो कि पार्लियामेंट बना रही है और जो कि इन कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, उस केस में उस लॉ को नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो ये आर्टिकल्स ही कहते हैं, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के को वायलेट नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ में नहीं है, मतलब उसके सुवरेन पावर को यहाँ पे अगेन एक झटका लगता है पार्लियामेंट्री फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। तो ओवरऑल ये सारे बेसिकली बातें थी जो कि पार्लियामेंट यहाँ पे खत्म होता है, पार्लियामेंट से रिलेटेड सारी जानकारी हम डिस्कस कर ली है।
मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करोगे बार बार जब मैं पीडीएफ दे दूंगा, और बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर डाउट बनता है तो डेफिनेटली बनना भी चाहिए, और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि आपको ये पार्टिकुलर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं डेफिनेटली पर्सनली आपको आंसर करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आपको क्लैरिफाई कर दूँ सारे डाउट्स के। तो दैट्स ऑल, शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।